हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्किच किचन एंड वीलॉग्स। तो आज का मौसम बिल्कुल ही ठंडा है, साथ ही है सैटरडे। तो नॉनवेज लवर्स के सैटरडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए अपने किचन से लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, यामी, डिलिशियस एंड गुड लुकिंग अफगानी चिकन की रेसिपी। तो अफगानी चिकन खाने में जितना लाजवाब होता है, उतना ही आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड फर्स्ट टाइम विजिटर हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि और भी हेल्दी ऑयल फ्री रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन लिया है हाफ के जी एंड इसे अच्छे से मैंने वॉश करके क्लीन कर लिया है। तो फर्स्ट टास्क हमारा है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है और ये मेरा मार्केट का है, रेडीमेड है, जो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। साथ ही 1/2 स्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया है और इसके साथ जाएगा सॉल्ट। तो सॉल्ट मैं कम ही रखूँगी बिकॉज मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऑलरेडी सॉल्ट है। साथ ही इसमें लाइम जूस हम ऐड करेंगे, तो 1.5 स्पून लेमन जूस हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब हाथों से इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हमें करना है और इसे रेस्ट करने के लिए रखना है। तो जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम बाकी के प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हें मैंने 1 आवर के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था और अच्छे से ये गर्म पानी में भिगोने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने क्रीम लिया और ये फ्रेश क्रीम है, बिल्कुल फुल क्रीम, जो मिल्क मैं लेती हूँ उसकी क्रीम है। आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कर्ड मैंने लिए, तो आपने ज़्यादा हंग कर्ड नहीं लेंगे, ज़्यादा खट्टी कर्ड होगी तो आपका अफगानी चिकन टेस्टी नहीं लगेगा। और अगर खट्टी दही है तो इसकी क्वान्टिटी जो है आप कम कर लीजिए, अदरवाइज़ आपने क्रीम एंड कर्ड की क्वांटिटी इक्वल रखनी है। साथ ही यहाँ पे 1 ग्रीन चिली आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज ऑनियन लंबे स्लाइसेस में कट करके रखे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑनियन पेस्ट रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सारे ऑनियन डाल लेंगे और ग्रीन चिली भी इसमें डालकर मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर पेस्ट मेरा ऑनियन का बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने बनाना है। अब इसी ग्राइंडर जार में मैं काजू ऐड कर रही हूँ, जो भिगोए हुए काजू थे, और साथ ही पूरी मलाई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मलाई सारी डाल लेनी है और इसका भी हमने एक फाइन पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इसका भी पेस्ट बिल्कुल ही फाइन पेस्ट है, ये रेडी है। तो यहाँ पर चिकन वापस हम लेंगे और चिकन में हम ये पेस्ट जो हमने काजू और क्रीम का बनाया था उसे ऐड कर लेंगे। तो पूरा पेस्ट हमने ऐड कर लेना है और अच्छे से मैं सारा कुछ डाल रही हूँ जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना हो। इसके साथ ही जो ऑनियन पेस्ट था ये भी हमने इसमें ऐड कर लेना है सारा। और साथ ही हम कर्ड भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर ज़्यादा खट्टी दही है तो क्वांटिटी कर्ड की थोड़ा कम कर लीजिए, अगर नॉर्मल कर्ड है तो मलाई और कर्ड की क्वांटिटी इक्वल होगी। कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले बड़ा 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है। 1 स्पून मैंने यहाँ पर रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर ऐड किया है। 1/2 स्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि सॉल्ट पहले भी मैंने डाला हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ ही 1/2 स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे हाथों से अपने, तो बहुत ही अच्छा हमने इसे मिक्स देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हमने 1/2 आवर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद एक कढ़ाई ले ली है मैंने यहाँ पर। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। एंड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें मैंने 1 तेज़पत्ता ऐड कर लिया है और साथ ही यहाँ पर 1 मैं मेज़ डाल रही हूँ, यानी कि जावित्री।
इन दोनों को थोड़ा सा ये कलर कुछ सेकंड हमें चलाना है जिससे कि कलर चेंज हो जाए। एंड अब मैं इसमें जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट करने के लिए रखे हुए थे उन्हें ऐड कर रही हूँ। तो सारे पीसेस हम इसमें डाल लेंगे और इसे कलर चेंज होने तक हम कुक करेंगे। कलर चेंज मतलब जब लाइट एक लाइट गोल्डन कलर आपको मिलने लगे, ब्राउनिश कलर, तो तब तक हमने इन्हें कुक करना है इसी तरीके से भूनते हुए, और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, अदरवाइज ये बर्न हो जाएंगे हाई फ्लेम पर। तो फ्लेम लो करते हुए हमें इन्हें कुक करते रहना है। और यहाँ पर आप देखते हैं स्टियर भी आपने करते रहना है, अदरवाइज वो एक ही साइड बर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से इसमें जो स्पॉट्स हैं ब्राउन कलर के वो आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये कुक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छा इसका कलर आ गया है। बस जब ये कलर आ जाए तो आपने बाकी का जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो सारा आपने इसके अंदर डाल लेना है और इसे अच्छे से चिकन के साथ डाल के कुक करना है। तो फ्लेम आपका बिल्कुल लो ही रहेगा और लो फ्लेम पर ही आपको ये प्रोसेस करनी है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हिलाते हुए, क्योंकि ये नीचे बर्न हो सकता है तो इसलिए हमें इसे स्टियर करते रहना है और इसे कुक करना है। जब हल्का सा कलर आपको चेंज लगे तब तक आपने इसे कुक करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो वाटर आपने कम ही डालना है, बिकॉज़ जो अफ़गानी चिकन होता है ठीक होता है, ज़्यादा वाटर फॉर्म में नहीं होता है। तो हम जितनी चिकन कुक होने तक, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पहले भी काफ़ी कुक हुआ है तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद इसमें मैंने लीड लगाकर इसे कवर करके हम कुक करेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चिकन जो है कुक हो गया है। तो ऑलमोस्ट इसे 20 to 25 मिनट और एक्स्ट्रा लगा वाटर डालने के बाद लो फ्लेम पर, और ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गया। आप कलर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सा कलर हमें मिल गया है और बहुत ही खाने में ये यमी होता है, स्वादिष्ट होता है और बहुत ही आसानी से आपने देखा, बस सिर्फ हमें मैरिनेशन में प्रोसेस करनी है, अदरवाइज़ बाकी कुकिंग में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो बनाइए अफ़गानी चिकन, खाइए, और अगर पसंद आए तो बाकी लोगों तक भी शेयर करिए जिससे कि ये बाकी लोगों तक भी रेसिपी पहुँचे। एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने में ज़रूर मेरी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।